आज का जो ये वीडियो है ये हल्का सा इंटरैक्शन वाला वीडियो होगा और इसलिए ये वीडियो मैंने प्रीमियर किया है। आपने देखा होगा कि अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद ही अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा तो आपको ये वीडियो प्रीमियर पे दिखाई देगा। और इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ये इंटरैक्शन काफ़ी ज़रूरी था। ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें अगर हम इंटरैक्शन ना करें तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप इस वीडियो को प्रीमियर खत्म होने के बाद देख रहे हैं, स्टिल इट डजंट मैटर, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका इस वीडियो के टॉपिक को लेके आपके विचार क्या थे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधे अपने मेन पॉइंट पे आता हूं। रिसेंटली मैंने जनरेशन आयन फिटनेस नेटवर्क के चैनल के ऊपर 4-time मिस्टर ओलंपिया और 3-time अर्नॉल्ड क्लासिक विनर जे कटलर का इंटरव्यू देखा था। वहां पे उनको एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया। उनको ये पूछा गया था कि आज की जो मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है और जो आपके वक्त बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, यानी कि अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक या फिर 1990s की बॉडी बिल्डिंग, उसमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको। इसके ऊपर जे कटलर ने कहा कि हमारे जमाने में, यानी कि 1990s से लेकर अर्ली 2000s तक, जब जे कटलर और रॉनी कोलमैन का बैटल चल रहा था 2006-07 तक, उस जमाने में सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था और इसी की वजह से जो IFBB प्रो कार्ड्स दिया करती थी वो भी काफ़ी कम होते थे। अगर आप उस जमाने में नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट करते हैं या किसी बड़े शो में कम्पीट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी कि आपको प्रो कार्ड मिलेगा, क्योंकि आज जो हो रहा है कि छोटे से छोटे शोज में भी, यानी कि मिस्टर ओलंपिया अमेचर शोज में भी आपको अगर टॉप 3 टॉप 2 में अगर आप आ जाते हैं तो आपको IFBB का प्रोफेशनल कार्ड मिल जाता है। लेकिन उस जमाने में प्रो कार्ड जीतना काफी डिफिकल्ट हुआ करता था और उसका रीजन ये था कि टॉप लेवल के मिस्टर ओलंपियाज भी ऐसे छोटे शोज में कम्पीट किया करते थे। नाइट ऑफ चैंपियंस एक उसमें से एक था, उसके साथ आयरन मैन एक शो हुआ करता था, तो इसमें जो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर रहे हैं वो लोग भी कम्पीट किया करते थे। यानी कि उस जमाने में रॉनी कोलमैन, फ्लेक्स विलर, केविन लेब्रोनी, शॉन रे, जे कटलर, पॉल डिलेट, ली प्रीस्ट, ऐसे टॉप क्लास बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे जो नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट किया करते थे। और इनके अगेंस्ट जाके आपको कम्पीट करना प्लस उस शो को जीत लेना और फिर IFBB प्रोफेशनल कार्ड जीतना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ करता था। लेकिन आज की जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें टॉप लेवल के IFBB प्रोस कम्पीट नहीं करते। आप देख लीजिए, जैसे कि जिस भी कॉम्पिटिशन में अगर आपको प्रोफेशनल कार्ड मिलता है, जैसे कि थाईलैंड में शोज होते हैं, रिसेंटली इंडिया में शोज हुए हैं मिस्टर ओलंपिया के, अमेचर शोज होते हैं, वहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे नहीं कि फिलहित आके कम्पीट कर रहे हैं या बिग्रामी आके कम्पीट कर रहे हैं या विलियम बोनैक आके कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स आते हैं वो सारे के सारे नए कॉम्पिटिटर्स होते हैं और इनको आसानी से प्रो कार्ड मिल जाता है। और इंस्टाग्राम के ऊपर आज इतने IFBB प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं कि इनकी गिनती करना मुश्किल हो गया है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी बॉडी बिल्डिंग जो कंटेस्ट में कम्पीट करते हैं, हर दूसरा बॉडी बिल्डर IFBB प्रो बन के बैठा हुआ है। लेकिन जब मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े शोज की बात आती है, अर्नॉल्ड क्लासिक जैसे बड़े शोज की बात आती है, वहां पर ये लोग कहीं भी नहीं होते। ये जे कटलर का कहना था कि IFBB ने इतना आसान कर दिया है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री आज सोशल मीडिया ड्राइव कर रही है और उसकी वजह से कई ज्यादा लोग कम्पीट कर रहे हैं, कई ज्यादा लोग IFBB प्रोफेशनल्स बन रहे हैं। लेकिन जब मिस्टर ओलंपिया या बड़े शोज किसी बात आती है तब ये लोग कहीं भी प्लेस नहीं होते। और हमारे ज़माने में, यानी कि जे कटलर के ज़माने में 1990s और अर्ली 2000s में, अगर आप IFBB प्रोफेशनल बनते हैं तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ कम्पीट कर सकते थे और आपको रिकग्निशन भी मिल सकता था, ये जे कटलर का मानना था। अब जे कटलर ने जो ये ओवरऑल स्टेटमेंट्स पास किए हैं ये मैं कहीं ना कहीं जे कटलर से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, तो जे कटलर सही कह रहे हैं। आज इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ज़्यादा लोग IFBB प्रोफेशनल्स बन के बैठे हुए हैं, इनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, लैक्स ऑफ पीपल इनको फॉलो करते हैं,
लेकिन जब मिस्टर ओलंपिया या एरोनॉट क्लासिक की बात आती है तो ये लोग कहीं भी नहीं होते। सो ये जो एक अनबैलेंस क्रिएट हो गया है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, मैं इसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूं। आईएफबीबी और मिस्टर ओलंपिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करने होंगे और स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना होगा एक प्रो कार्ड जीतने के लिए। क्योंकि अगर आप प्रो कार्ड जीतते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन गए या दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर बन गए। प्रो कार्ड तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको मिस्टर ओलंपिया एरोनॉट क्लासिक जैसे बड़े शोज में कम्पीट करने के लिए। आपकी असली जंग प्रो कार्ड मिलने के बाद शुरू होती है। प्रो कार्ड तो सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा है आपके अपॉर्चुनिटीज का। एक बार वो दरवाजा खुल गया उसके बाद आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ कम्पीट कीजिए, उनको बीट कीजिए, फिर जाके जो आपको रिकग्निशन मिलती है, जो मिलियंस में फॉलोइंग मिलती है, वो आप डिजर्व करते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या आप लोग जे कटलर, डोरियन येट्स भी इस इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डिंग के कम्प्लीटली अगेंस्ट है? वो हमेशा कहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग सिर्फ वर्कआउट की वीडियोज डालते हैं और मिलियंस एंड मिलियंस में फॉलोइंग उनको मिल जाती है। सो मैं भी डोरियन येट्स से एग्री करता हूं। सो डोरियन येट्स, जे कटलर जैसे अगर 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया ये सब बातें कहते हैं, तो आप लोग इस बातों से कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, इसका एक प्रॉपर रीजन मुझे आपसे जानना है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों ये थोड़ा सा अलग वीडियो था क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटरेक्शन को ओपन रखा है। मेरे जो बाकी वीडियोज होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव वीडियो था। सो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। क्या आपको लगता है कि आज इतने ज्यादा आईएफबीबी प्रोज बन गए हैं कि इनको हैंडल करना ही मुश्किल हो गया है और इनके जो मिलियंस में फॉलोइंग है लेकिन ऑन स्टेज ये लोग कहीं भी नहीं होते? आप लोगों का क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।